श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम न्यूयॉर्क सिटी में हैं, यूएस के अंदर। यहाँ पे एक ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, यहाँ की हम सेकंड फ्लोर पे हैं। तो यहाँ पे एक नीचे एक रिटेल स्पेस बनानी है वास्तु के हिसाब से, और वास्तु के हिसाब से यहाँ पे पूरा एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, यानी ऑफिस फ्लोर बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हमने ओरा स्कैनर के माध्यम से इसके 16 जोन को स्कैन करेंगे। अभी हमने यहाँ की GS और IR को भी स्कैन कर लिया है। अब ये ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हम ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर इसकी स्कैनिंग करना चाहते थे, पर वहाँ पे अभी सब ऑफिस चालू है, यानी हम फर्स्ट फ्लोर पे आके ये सब स्कैनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी ऑफिस बिल्डिंग हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, यानी रिनोवेशन करवाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ का ये देखिए, ये बैकयार्ड है इस ऑफिस का, ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग इसको हमको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ऑफिस बिल्डिंग को। और यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्लोर्स बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हम इनकी 16 जोन लेंगे और उस जोन के हिसाब से यहाँ की हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ की आप उत्तर दिशा में एग्जिटिंग फ्लोर के अंदर अभी शौचालय है, तो इसको भी हम ब्लॉक करेंगे वास्तु के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है कि वास्तु कुछ अलग है, हमारे जैसा ही वास्तु है। पर यहाँ पे क्या कि क्लीन बहुत अच्छा होता है, और वास्तु के बहुत अच्छे नियम यहाँ पे यूज हुए हैं कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बहुत है। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, हम न्यू जर्सी में थे तो वहाँ पे वन फ्लोर सेकंड फ्लोर तक का ही हमारे पास वहाँ पे प्रोविज़न था, और वो पिरामिड शेप के अंदर था, जिससे वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे रूफ जो है वो स्क्वायर है, यानी टॉप फ्लोर भी एक टेरेस जैसा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेयर केस है, यहाँ की जो स्टेयर केस है तो ये है वुडन की, यानी ये वुडन के स्टेयर केस ऊपर की तरफ जा रही है। ये बिल्डिंग पूरी रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं ये लोग। पर यहाँ पे जो कहते हैं ना कि क्या डिफरेंस है, जब हम US आए तो इधर सबसे पहले हमने हमारे इंडिया के अंदर हमने देखा है कि वास्तु के अंदर सबसे महत्व है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंस है सीढ़िया, जो सीढ़िया RCC की होती है, यानी रोड़ा कॉन्क्रीट से बनी हुई सीढ़िया होती है। जब यहाँ की सीढ़िया चाहे कोई भी जोन में हो तो वहाँ पे RCC इतना यूज़ नहीं हो रहा, जो कुछ यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है लकड़े का, यानी वुडन स्टेयरकेस। यहाँ से ये एक एंट्री रहेगी, एंट्री साउथ की तरफ की एंट्री है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे भी ऊपर फ्लोर अभी हम सब रिनोवेट करवाने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंस है इंडिया की वास्तु में और US की वास्तु में, तो लकड़ी के घर, लकड़ी की सीढ़ियाँ, तो ये दोष कम लगता है, इसलिए यहाँ इतनी समृद्धि है, इतना पैसा है। डिफरेंस ये देखिए, अमेरिका वाले यूं ही पैसे वाले नहीं हुए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तु के बेसिक नियम यहाँ पे बहुत फॉलो हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपको खास कह रहा हूँ कि यही है डिफरेंस इंडिया और यूरोप कंट्री में, मीन्स यहाँ की कंट्री के अंदर, कि भाई वास्तु किस तरह से यहाँ का अलग है, किस तरह से उसका फायदा है, किस तरह से यह बेनिफिट हो रहा है, किस तरह से धन समृद्धि बढ़ रही है, ये पूरा यहाँ का पूरा अलग है। जब वास्तु की प्रैक्टिस में मैंने यहाँ पे आके देखा, मेरा मेन वही हेतु था कि मैं यहाँ पे वही देखना चाहता था, क्यों ये डिफरेंस है, क्यों यहाँ पे इतना ऐश्वर्य है, क्यों यहाँ पे इतना सौंदर्य है, क्यों यहाँ पे ये पैसा है, क्या वास्तु इधर सपोर्ट कर रहा है, क्या वास्तु इधर कुछ इनबिल्ट है, कुछ वास्तु की ऐसी कृपा है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिली, पिरामिड के रूफ टॉप देखने को मिले, वुडन फ्लोरिंग मिला, यानी बहुत ही हैवीनेस नहीं है वास्तु। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी है, पर वहाँ पे उन्होंने लाइट बहुत यूज़ किया हुआ है, यानी प्रकाश, हवा, उजास, पंच तत्वों को बैलेंसिंग बहुत ही यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी पूरी मेरी एनालिसिस चालू होगी और मैं यहाँ आपको खुद मैं अकेला हूँ, यानी मैं करूँगा यहाँ पे, आपको डायरेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा अभी यहाँ पे स्कैनिंग करने का पूरा। ओके, ऑफिस बिल्डिंग पूरी डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट को लेके, यहाँ पे कहाँ ओनर बैठेंगे, क्या है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। इसकी एक ग्रिड बनेगी और ग्रिड बनने के बाद उसकी भी वास्तु एनालिसिस होगी। हम नॉर्थ को एनालिसिस करेंगे, यहाँ के नॉर्थ की कितनी पॉजिटिविटी है। ओके, थोड़ा पीछे चले जाइए। मेरी तरफ भी रखिए स्कैनर,
वीडियो मेरी तरफ भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे नॉर्थ का 46 आ रहा है, मिनिमम 75 चाहिए तो 46 आ रहा है, तो नॉर्थ यहाँ पे डिस्टर्ब है, रीजन यहाँ पे शौचालय। ओके, अब है एनएनई का क्या रिपोर्ट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एकदम पॉजिटिव आ रहा है, 100% आ रहा है। अब आ रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट या ओके, मुझे भी ले ठीक है ये या देखिए नॉर्थ ईस्ट इज ओके। अब यहां पे आएगा ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एट्टी आ गया, 82 90 50 50 हो गया। हाँ हाँ, अच्छी तरह एंगल देखना वीडियो का, बराबर राइट राइट राइट। अब आएगा हमारा ईस्ट, एक मिनट, ये 80 था पहले। हाँ हाँ, 50 ईस्ट। आप वहां पे जूम कर लीजिए, ऐसा हो ना। नहीं ठीक है ठीक है, ESC 32 आ रहा है, 26 देखा था इधर। हाँ, यानी 24 वो सेकंड डीप फाइनल एनालिसिस। ओके ओके, अब है साउथ ईस्ट। फ्रेंड्स, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे जो वास्तु स्कैनिंग करवानी थी वो बहुत ही डिफिकल्ट था, और ये स्कैनर अगर नहीं होता तो मैं इतना इजीली यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि स्कैनर यहाँ नहीं दिखने वाली एनर्जी फ्रिक्वेंसी को स्कैन कर रहा है, जो मेरे लिए बहुत ही मददगार हुआ है। ये जो स्कैनर है वो बहुत ही इफेक्टिव स्कैनर है वास्तु प्रैक्टिस के अंदर, और जिसको वास्तु करवाना है और जिसको वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना है तो उनको खास अपना अप्रोच रखने का, कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट भी स्कैनर वाला चाहिए, और जो कंसल्टेंट है उनको आने वाले दिनों में स्कैनर चलाना सीखना पड़ेगा और स्कैनर को खरीदना पड़ेगा और स्कैनर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो अपनी वास्तु को अच्छा रंग रूप देगी, क्योंकि क्लाइंट भी एनर्जी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रदेश के अंदर सब फिक्स है, यहाँ तो इंसान नहीं मिल रहे तोड़फोड़ करने वाले, या लेबर नहीं मिल रही यहाँ से कुछ हटाने वाले, उनको एनर्जी बैलेंस करके देनी है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन रोड का यूज करेंगे, जियोपैथिक का यूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट का यहाँ पे यूज करके इसको बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर वास्तु बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे हम सर को कहेंगे कि यहाँ पे आपकी ऑफिस फ्यूचर में जो ऑफिस करने वाले हो पर ये वास्तु का पूरा कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। उन्होंने जो हमें चांस दिया है यहाँ पे आके वास्तु करने का, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। मेरी जो कारकिर्दी है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर ये मेरे को प्रथम चांस मिला है यूएस की धरती पे आके, अमेरिका की धरती पे आके वास्तु का विश्लेषण करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब सौभाग्य किसके अधीन है, आप ही व्यूअर्स के अधीन है, जिसने मेरी इतनी वीडियो देखी, मुझे लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब, मेरी फैमिली सब्सक्राइब किया और मेरी फैमिली बनी, जिससे मेरी वीडियो की अप्रोच बढ़ गई और उससे मुझे अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलने लगे। तो अगेंस्ट मैं आप सबका धन्यवाद कह रहा हूँ, मेरे जो भी श्रोता है, मेरे जो भी व्यूअर्स है, और भगवान का और मेरे माता पिता का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर्स मुझसे छोटे हैं उनको प्यार, और जो मुझसे बड़े उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी मेरी भी स्कैनिंग चल रही है, जो आपको पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी वेस्ट और साउथ वेस्ट की फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं, ये है सेविंग जोन, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी हमारे को मिल रही है 14%, यानी आप यहाँ पे आके देखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट 14% है, साउथ वेस्ट 100% है, SSW 50% है, और यहाँ पे जो पैसे की जो एनर्जी है पैसे वाली वो 40% है, कैश लिक्विडिटी। नॉर्थ भी डिस्टर्ब है और पैसे की, यानी यह फाइनेंशियल ग्रोथ कुछ कम रहेगी, इसको हम एनालिसिस करके उसको रीमेंटेन करेंगे। अब ये है गेन प्रॉफिट वेस्ट, तो यहाँ की भूमि से जो कहते हैं ना अर्थ अर्थ लक, तो अर्थ लक के अंदर देखो गेन प्रॉफिट है यहाँ की ये प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे कोई भी ऑफिस होगी तो गेन प्रॉफिट मिलेगा, बट ये सब कुछ मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब है डिप्रेशन का जोन, कि यहाँ पे ऐसा कितनी नेगेटिविटी है,
यहाँ की भी जो फ्रीक्वेंसी चाहिए रुदन की वो भी यहाँ पे बहुत ही कम आ रही है, यानी जो यहाँ से हमें डिप्रेशन निकालना है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही है। यानी ये क्या होता है कि कोई ना कोई कारण सर यहाँ पे जो ओनर होता है वो हमेशा डिप्रेस रहता है, उसकी थॉट नेगेटिव होती है कि वो बिजनेस को कैसे रन कर सके, क्योंकि अभी की जो मार्केट में जो स्टेटस जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मार्केट की, वो बहुत ही गलत है। और ऐसी ऑफिसों में ये वास्तु करवाना बहुत ही जरूर है, क्योंकि टेंशन तो ऑलरेडी मार्केट से आ रही है और वापिस आपको वो लैंड या वो वास्तु आपको टेंशन देगा तो किस तरह से आपकी जिंदगी चलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इतना स्कैनिंग करने के बाद पूरा रिजल्ट हमें मिल रहा है। यानी कभी भी सेकंड वीक के बिना आपको कंफर्म नहीं करना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आ रहा है नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग सेक्टर के, वो यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है। इनको वैसे बैंक से ही थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ के अंदर और वही सेक्टर इनको यहाँ पे मजबूत नहीं आ रहा। अभी एक बार स्कैनिंग कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम डिसाइड करेंगे। अब है हमारा वापिस आकर्षण का और हेल्थ का, सेक्स एंड अट्रैक्शन बिजनेस पे आकर्षित होना। नॉर्थ वेस्ट का खाली 12% आया, ये यानी यहाँ पे कोई भी बिजनेस करेंगे तो लोगों का अट्रैक्शन रहेगा। पर ये जो हम रिसोल्व कर लेंगे, इसको एनालिसिस कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है वास्तु के अंदर। ये जो ब्लैक एंड रेड एंड ग्रीन पिलर है, जो पिलर ग्रीन है वो पॉजिटिविटी दर्शा रहे और जो रेड है वो नेगेटिविटी दर्शा रहे और उसकी वैल्यू दर्शा रहे। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके हर जोन की इफेक्ट आ गई है, क्या क्या जोन कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता, जोन में हमको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्या हमें यहाँ पे सेटिंग करना है, पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, कहने का भाव अर्थ ऐसा है, अगर आप भी किसी कंट्री में हैं या अभी किसी जगह पे हैं और आपको ये एनर्जी वास्तु दिखवाना है, वास्तु फिक्स होता है वहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम नहीं हटा सकते, हमें एनर्जी के भरोसे वहाँ की ऊर्जा को पॉजिटिव करना है। मीन्स वास्तु का नाम ही है ऊर्जा, एनर्जी, ओरा, ये सब वास्तु के दूसरे शब्द है, समार्थी शब्द है। वास्तु अकेला ये नहीं है कि तोड़फोड़ कीजिए, वास्तु अकेला ये नहीं है यहाँ चीज से ये चीज हटा दीजिए, ये वास्तु मैं नहीं ले सकता, ये एंट्री वाला वास्तु मैं नहीं ले सकता, ये टॉयलेट वाला वास्तु मैं परचेस करूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, ये भ्रमों में से बाहर आइए। एक बार एनर्जी को क्रिएट कीजिए तो एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो आपको धीरे धीरे वहां पर पॉजिटिविटी मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूएस की धरती से आप सबको, मेरे को सारा दर आपको मैं पांव छू रहा हूँ, आपका प्रणाम लेना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।